सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर क्यों है, इसके पीछे क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रोल प्ले कर रहा है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट कम्प्लीटली फील्ड एट अ फ्लूड जीरो और टेम्परेचर, ये तो बात बिल्कुल गलत है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो जो कार्बन है सी और इसका जो जेड है वो है सिक्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s² 2s² और 2p² तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इसके सेकेंड ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। चलो जो सिलिकॉन है और जेड जिसकी 14 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो यह जाएगा 1s² 2s² और 2p6 और 3s² 10 और 3p2। ये तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये तो ये वाला जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज थर्ड ऑर्बिट है और थर्ड इसके जो चार इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है और इसके जो चार इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली फोर्थ ऑर्बिट में है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंड इज पार्शियली फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो, देखो इन केस ऑफ कार्बन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड, ये गलत है, ठीक है। अगर कार्बन इंसुलेटर है तो 0°C पर इंसुलेटर तो बिहेव करता ही है, जो है मतलब जो सेमीकंडक्टर है 0°C पर वो भी इंसुलेटर बिहेव करता है, तो कार्बन तो करेगा ही, वो पहले से इंसुलेटर है यार, तो कंडक्शन बैंड में ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। फोर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्बन लाइज इन सेकेंड ऑर्बिट वेयर इज इन फोर वैलेंस सिलिकॉन इन थर्ड ऑर्बिट, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही है, क्योंकि ये जो चार इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में है और ये इसके थर्ड ऑर्बिट में है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है और ये न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास है, तो इसमें थोड़ा सा चांस बन जाता है कंडक्टिविटी का। तो ये फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन लाइन थर्ड ऑर्बिट, ये तो बिल्कुल गलत है, थर्ड ऑर्बिट में नहीं होता है, मतलब हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो।